अब बताइए एक बार प्रताप, हम कैसे लग रहे हैं? क्या अब भी हम आपको राणा उदय सिंह लग रहे हैं? हाँ दाजीराज। अच्छा दाजीराज, आप भेष बदल कर बूंदी जाने का विचार क्यों नहीं छोड़ देते? आपको किसने कहा कि हम भेष बदल कर बूंदी जा रहे हैं? आपने तो बोला था दाजीराज। हमने कहा? बोल प्रताप, ये बात बहुत गुप्त है, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हम भेष बदल कर बूंदी जाने वाले हैं, समझे? इसलिए तो हम इतने श्रम से भेष बदल रहे हैं और आप हमें बार बार इसलिए पहचान पा रहे हैं क्योंकि हम आपके सामने भेष बदल रहे हैं। हमें 100% विश्वास है कि इस भेष में तो आपकी रानी मां भी हमें नहीं पहचान पाएगी। आप हंस रहे हैं प्रताप? बस ऐसे ही दाजीराज। ठीक है, इस बदले हुए वेश का चमत्कार देखना चाहेंगे आप? ठीक है दाजीराज, चलिए रानी माँ के सामने। तो चलिए, आप भी देख लीजिएगा कि आपके दाजीराज कितने क्रियात्मक हैं। खम्मा खड़ी हुकुम, खम्मा खड़ी हुकुम। दाजीराज वो चमत्कार बस। कौन प्रताप, ये सब लोग हमें इसलिए पहचान पा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि हम राणा उदय सिंह के कक्ष से बाहर निकले हैं। इसलिए हमारी असली परीक्षा शुरू होगी जब हम आपके रानी माँ के कक्ष में जाएंगे, तब देखिएगा हमारे इस बदले हुए भेष का चमत्कार, तब देखते हैं कि आपकी रानी माँ हमको पहचान पाती है या नहीं। दाजीराज, निश्चित रूप से हमारी रानी माँ आपको पहचान ही लेगी, देख लीजिएगा आप। चलिए देखते हैं। आप सब चले जाइए। और प्रताप, आप यहीं पर रुकिए, हम अंदर अकेले जाना चाहेंगे। ठीक है दाजीराज। खम्मा घड़ी, क्षमा करें राणा जी, हमें नहीं पता था आप इस समय यहां आने वाले हैं। अंतु जयंता भाई जी, आपने बिना देखे क्या हम आपको इस वेशभूषा में, इस नए भेष में बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहे? क्यों दाजीराज, अब क्या कहेंगे आप? हाँ, आपकी रानी माँ तो है ही सजग, किंतु हमारी सच्ची परीक्षा आपकी रानी माँ के पहचानने से नहीं होगी। हमारी सच्ची परीक्षा तब होगी जब हमें कौन नहीं पहचानेगा? सज्जा बाई जी। अगर सज्जा बाई जी ने हमें पहचान लिया तो हम मानेंगे कि हमें कोई भी पहचान सकता है। एक लिंग जी, मंजली माँ तो पहचान ही नहीं पाएंगी। क्यों गौर प्रताप, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए मंजली माँ के पास चलकर देखते हैं। चलिए। जयंता बाई जी, एक बात बताइए, क्या इस भेष में हम आपको विचित्र नहीं लग रहे? चलते हैं। एक क्षण राणा जी। इस वेश में कहाँ जा रहे हैं? एक गुप्त अभियान है,
सुरक्षा की दृष्टि से हम किसी को बता नहीं सकते। चलते हैं। हे गिरधर गोपाल, क्या चल रहा है कुंवर प्रताप के मन में? बड़े शान से लग रहे थे। मंजली माँ, अभी यहाँ पर आपके कक्ष में कोई आएगा और आपको उन्हें पहचानना है। आप उन्हें जानती हैं, लेकिन फिर भी आपको पहचानना है। हमारे कक्ष में कोई आएगा, हमें उन्हें पहचानना है। अरे अगर हम उन्हें पहचानते तो हम उन्हें पहचानेंगे ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप समझ नहीं रही है मंजली माँ, हम क्या कह रहे हैं। हम क्या नहीं समझ रहे? हम समझाते हैं। आपके कक्ष में आपके इतने निकट कौन कौन बैठ सकता है? आप भी तो हमारे कक्ष में आए हैं, इतने निकट बैठे। मंजली माँ, हम सब तो आपके पुत्र हैं। अच्छा, फिर आपके कक्ष में कौन कौन पुरुष आ सकता है? कुंवर प्रताप, आप ऐसी बातें कर रहे हैं हमसे? हमारे कक्ष में पुरुष? आप पागल हो गए क्या? ये लीजिए, बेर खाइए, इससे आपका मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा। मंजली माँ, आप समझ नहीं रही हो। अब जो यहाँ पर आने वाले हैं, उनको आपका पहचाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आप हमारे कक्ष में कैसे आ गए? क्या लिखो? हमारे राणा जी को पता चल गया ना, वे आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। कुंवर प्रताप, आप अपना सिर पीट रहे, रक्षा कीजिए हमारी, अपनी माँ के गौरव की रक्षा कीजिए। कुंवर प्रताप, अब तो मान गए ना आप, देख भी लिया आपने हमारे बदले हुए भेष की सफलता। हम हार मानते हैं राजीराज। राणा जी। जी सज्जा भाई जी। कुंवर प्रताप, अब हम चलते हैं। कुंवर प्रताप, राणा जी ने ऐसी वेशभूषा क्यों बनाई है? क्योंकि वे बूंदी जा रहे हैं और हमें उनसे पहले वहां पहुंचना पड़ेगा। अरे पर भेष बदलकर बूंदी क्यों? हमें पता लगाना पड़ेगा चल क्या रहा है यहाँ। अच्छा, क्या आप ये बता सकती हैं कि राणा जी ने भेष क्यों बदला है? नहीं रानी साहब। अच्छा, आपको तो पता होगा ना राणा जी बूंदी क्यों जा रहे हैं? नहीं पता महारानी सा, नहीं पता। चलो सर, इससे पहले कि दाजीराज बूंदी पहुंचे, हमें वहां पहुंचना होगा। चलो। खम्मा गणी बाऊजीराज। गणी खम्मा। क्या आप भी अन्नदाता के साथ बूंदी जा रहे हैं? क्या? हमें एक बात बताइए, ये बात यहाँ किस किस को पता है? ये बात तो बाऊजीराज सबको पता है यहाँ। धन्यवाद। राणा जी ने ऐसी वेशभूषा क्यों बनाई है? क्योंकि वे बूंदी जा रहे हैं। धन्यवाद मछली माँ, अब लगता है हमें बूंदी जाने की कोई आवश्यकता नहीं। धनी हुकम, आप सचमुच बिना सुरक्षा कवच के ही बूंदी जाएंगे? हुकम, आपको पता है कि हम राणा उदय सिंह हैं? जी हुकम। और आपको यह भी पता है कि हम बूंदी जा रहे हैं? जी हुकम। हम
खम्मागढ़ी आना चाहता। आपका अश्व तैयार है हुकुम, तखावीर को पकड़ने के लिए ये आपको शीघ्रता से ले जाएगा बूंदी। राणा जी, आज हमारे विचार से अब आपको अपना यह अभियान स्थगित कर देना चाहिए जी। यदि अभी से ये सारा राजमहल जान चुका है कि आप देश बदल कर बूंदी जा रहे हैं, तो आपके बूंदी पहुंचने से पहले निश्चित ही यह समाचार उस राव सुल्तान तक भी पहुंच जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से यह ठीक नहीं होगा। राणा जी, बात यह नहीं है रावत जी, चिंता का विषय तो यह है कि यह सामरिक महत्व का गुप्त अभियान था, जिसके बारे में सबको पता चला कैसे। राणा जी, राणा जी, हम आपका तिलक कर दे, वो क्या है ना, लोगों से पूछते पूछते, सूचनाएं जोड़ते जोड़ते हमें पता चल गया कि आप बूंदी जा रहे वेश बदल के वो सखा वीर को पकड़ने। क्या हुआ राणा जी, हमसे कोई भूल हो गई? नहीं नहीं, आपसे कोई भूल नहीं हुई सच्चा भाई जी। ये अभियान शुरू से ही अभिशप्त था। चलिए रावत जी। दाजीराज, हमने कहा था ना कि आज का दिन ही ठीक नहीं है भूली जाने के लिए। परिस्थितियां बार बार कुछ ऐसी आती जा रही है दाजीराज, कि चाह कर भी हम सखा वीर का सच आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। हम मन से इसके लिए क्षमा प्रार्थी है दाजीराज, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में सखा वीर बनकर बूंदी की त्रस्त प्रजा की सहायता के लिए हम जो अचाहे आपके विश्वास को छल रहे उसका औचित्य आपकी दृष्टि में भी सिद्ध हो जाए। बच्चे तो हमने इकट्ठे कर लिए राव सोते, अब जरा इनकी आवाज से बुलंद चीखे तो सुने, इनमें आने वाले बच्चे हमारे किस काम के। ए बच्चे, जरा वो कर को दिखाओ, जोर से कुछ मजा नहीं आ रहा है राव सुल्तान जी, कुछ मजा नहीं आ रहा है। हमारे बूंदी के बच्चे हैं ये बैरम खान जी, इनके नस में बह रहे बूंद बूंद रक्त को हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, है ना? अब और ऊंची आवाज में आप कैसे रोओगे हम बताएंगे। हाथ दीजिए अपना, आपकी हस्तरेखा देखें, बूंदी का भविष्य कितना उज्जवल है वो तो पता चले। क्यों बैरम खान जी, जी पागल हो गया? देखा, अरे बूंदी के बच्चों की आवाज कितनी ऊंची है, देखा? अच्छा है, अच्छा है, जो जितना जल्दी रोएगा उतना ही अच्छा है हमारे। अच्छा 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 अच्छा, समझिए, आपकी इच्छा है कि बच्चे जितने अधिक संवेदनशील हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, परंतु आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं ये तो हमें बताना पड़ेगा। अरे वो भी पता चल जाएगा, पहले आप जरा और अच्छे अच्छे बच्चे तलाश कीजिए और इन बच्चों को और रुलाइए।
ये तो बड़े गहरे काव लगा लिए आपने कुंवर प्रताप। किंतु ये काव आपको लगे कब, कहां और थे कहां? तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुंवर प्रताप ही सखावीर, और जब सब सोचते हैं कि वे अपने कक्ष में सो रहे हैं तब वे चुपचाप जाकर सुरतन सिंह और उसके सैनिकों के साथ युद्ध करते हैं। हमें तुरंत ही राणा जी का इसकी ओर ध्यान खींचने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कहाँ चली गई थी वो जगमाल, आपके लिए कब से रो रहे हैं? हम अपने प्राण लेना चाहते हैं, हम नहीं जीना चाहते। फिर क्या करिए, इसे छोड़ दीजिए। महारानी साहब, फिर क्या करिए? नहीं महारानी साहब, इसे छोड़ दीजिए। नहीं कौन महारानी साहब, तो छोड़िए। भीरबाई जी, पूजा छोड़िए, हटिए भीरबाई, छोड़िए, इसको पागल हो गई है। पागल हो गई राणा जी। कोई भी संतुलित मानसिकता वाली माँ अपने पुत्र पर संदेह नहीं करेगी। संदेह? किसकी बात कर रही हैं आप? हम उस संदेह की बात कर रहे हैं जो हमने कुंवर प्रताप पर किए राणा जी। हीर भाई जी, हम पूछ रहे हैं कैसा संदेह, बोलिए, जवाब दीजिए। कुंवर प्रताप को सखावीर मारने का। पापी हैं हम आपके, इसीलिए कहते हैं मर जाने दीजिए हमें। क्या करिए आप छोटी माँ, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कुंवर प्रताप, आप हमें मत रोकिए। आपके दाजी राज को आप पर अटूट विश्वास है ना? हम नहीं कर पाए आप पर विश्वास, क्या करते? आपको कुछ ऐसी चीजें करते हुए देखा हमने कि हमारा संदेह और बढ़ता गया। हमें लगने लगा कि आप ही सखा वीर हैं। ऐसी कौन सी बातें देख ली थी आपने धीर भाई जी, हम भी तो सुने। पता है राणा जी, जब हमारे मन का संदेह जाने ही नहीं वाला तो आपको क्या पता है, उससे बेहतर है हम मर जाते हैं। हीर भाई जी, पहले हमें वो संदेह वाली बातें बताइए। हमने कुंवर प्रताप के धूल भरे पद चले अश्वशाला से उनके कक्ष में जाते हुए देखे, इसका क्या अर्थ हुआ राणा जी? यही नहीं कि जब सब सो रहे थे तो कुंवर प्रताप महल के बाहर और सुरतन सिंह ने जो आपको हार दिया था वो उनको सखावीर से मिला था। वो हार जो आपने कुंवर प्रताप को बड़े विश्वास और प्रेम के साथ उपहार में दिया था। यही नहीं राणा जी, हमने तो कुंवर प्रताप के कंधों पर, अब एक शब्द नहीं सुनेंगे आपके मुंह से। ऐसे गंदे विचार आपके दिमाग में आए कहां से? आप हमारे पुत्र पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने पिता के विश्वास को छला है। कुंवर प्रताप हमारे भी पुत्र हैं राणा जी। नहीं है, ढोंग कर दिए आप धीर भाई जी, ढोंग। अगर आप कुंवर प्रताप को अपना पुत्र मानती तो उनकी बातों पर विश्वास करती, अगर आप कुंवर प्रताप को अपना पुत्र मानती तो उन पर इस तरह के आरोप नहीं लगा। वो आरोप जो सीमा पार के शत्रु उन पर लगा रहे हैं। अगर आप अपनी ग्लानी मिटाने के लिए इससे अपने प्राण लेना चाहती हैं तो लीजिए, ले लीजिए अपने प्राण। तो एक बात हम आपसे कहेंगे कि आप बहुत ही सरल मार्ग चुना है।
क्षमा कीजिए छोटी माँ, आज हमारे कारण दाजी राज ने आपसे कठोर बातें कही, हमें क्षमा कीजिए। नहीं कुंवर प्रताप, आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आप पर संदेह किया, आप तो कभी कोई अनुचित बात कर ही नहीं सकते, फिर आप सखावीर कैसे हो सकते। आज हमने अपनी माँ होने का कर्तव्य नहीं निभाया। सही कहा राणा जी ने, सब कुछ सही कहा, वो जो दंड देंगे हमें हम स्वीकार कर लेंगे, फिर चाहे वो यही क्यों ना कह दे कि आज के बाद वो हमारा मुख नहीं देखेंगे। कोई बात नहीं, हम इस दंड को भी स्वीकार कर लेंगे। कौन पता? नहीं छोटी माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा और हम ऐसा कुछ होने भी नहीं देंगे। देख लीजिएगा, प्रताप, प्रताप किसे ढूंढ रही है जीजा? ओह, तो राणा जी के क्रोध का प्रभाव इतने शीघ्र मिट गया, हमें तो लगा था अभी आप बहुत देर तक विलाप करेंगे, रोएंगी, वो मरने वाला स्वांग करेंगी। हम ऐसा ही करने वाले थे जीजा, पर हमारे प्रिय कुंवर प्रताप है ना, उन्होंने हमारे सारे दुख अपने सर लेकर हमें आश्वासन दिया है कि हमारा ही हित होगा। अब क्या करें, इतने अच्छे जो हैं हमारे कुंवर प्रताप अपनी छोटी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, उन्होंने ही तो हमारे आंसू पोंछे हैं, तब जाके हम पहले जैसा मुस्कुरा रहे हैं। क्या कहा आपने कुंवर प्रताप से? वही जो सच है। अब जाने दीजिए ना जीजा, ये एक माँ और पुत्र के बीच की बात है, आप क्यों बीच में आ रही हैं? धीर भाई। अब हमने उनको सिर्फ इतना कहा जो हम कहना चाहते थे, उनको उनकी भूल का भान करवाया, अपराध बोध करवाया, और जहां तक कुंवर प्रताप को हम भली भांति जानते हैं, वो इस वक्त राणा जी के कक्ष की ओर जा रहे होंगे सच बोलने के लिए। जाइए जीजा, पर देख लेना, कुंवर प्रताप के कारण आज उनकी छोटी माँ का अपमान हुआ है, वो हमें सच सिद्ध करने के लिए आज राणा जी के सामने सारा सच उगल देंगे। रुकिए प्रताप। नहीं, आप अपने दाजीराज को सच नहीं बताएंगे। हमें जाने दीजिए रानी माँ। नहीं, आप कुछ नहीं समझते, अनर्थ हो जाएगा। रानी माँ, जब तक हमारा दोहरा व्यक्तित्व प्रताप और सखावीर हमें प्रभावित कर रहा था, तब तक हम इसके परिणाम को सहने के लिए तैयार थे, किंतु अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है रानी माँ। हमने कभी भी अपने समूचे जीवन में दाजीराज को छोटी माँ से ऐसे बोलते कभी नहीं देखा रानी माँ, जिस प्रकार वे आज उनसे बोल रहे थे। और फिर आप ही सोचकर देखिए रानी माँ, क्या छोटी माँ जो दाजीराज से कह रही थी, क्या वो झूठ था? हम ही तो सखावीर हैं। छोटी माँ दाजीराज से सब कुछ सच कहकर अपना पत्नी धर्म निभा रही थी, अब हमें भी अपना धर्म निभाना है रानी माँ। हमें दाजीराज से निर्भीक होकर ये कहना है कि छोटी माँ उनसे जो भी कह रही थी वो झूठ नहीं सच था। यदि उनके विश्वास को किसी ने छला है रानी माँ, तो वो छोटी माँ नहीं, हम हैं। हम हैं रानी माँ, और इसके लिए वे जो दंड देना चाहे हमें दे सकते हैं, किंतु रानी माँ आज भी हमारा मन यही कहता है कि हमने सखावीर बनकर कोई अपराध नहीं किया, और इसके अतिरिक्त हमारे सामने और कोई बात महत्व नहीं रखती। नहीं कुंवर प्रताप, आप कुछ नहीं जानते। हम केवल इतना जानते हैं रानी माँ कि छोटी माँ ने सदा हमें अपना पुत्र समझा, और हम नहीं चाहते कि उनको इसके लिए पश्चाताप करना पड़े। हम नहीं चाहते रानी माँ, जाने दीजिए हमें रानी माँ। प्रताप।
दाजीराज, कुंवर प्रताप, आज आपकी छोटी मां ने जो कुछ भी किया उसके लिए हमें खेद है। जैसे हम नहीं जानते कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। दाजीराज, आपका ये मानना कि छोटी मां हमें लेकर छोटी और काल्पनिक बातें बना रही है, हमें ये ठीक नहीं लगा। दाजीराज, हम बहुत छोटे थे, तब से लेकर आज तक हमने आप में और छोटी मां में एक विशेष अटूट संबंध देखा है, और आज छोटी मां को जो दिखा, उन्हें जो लगा, उन्होंने आपसे कह दिया, और आपने उनके साथ कठोर व्यवहार कर दिया। दाजीराज, आप एक बार हमसे पूछ लेते कि सच क्या है। ये गांव कहां से लगा कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप, हम आपसे पूछ रहे हैं, इतना गहरा घाव आपको कहां से लगा? क्या करते रहते हैं आप हमारी पीठ पीछे? और प्रताप, आंखें मत चुराइए, हमारी आंखों में आंखें डालिए और उत्तर दीजिए। और प्रताप, एक बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपने आज तक मुझसे झूठ नहीं बोला, इसलिए आज हम आपसे सच जानना चाहेंगे। आपकी छोटी मां ने जो कुछ भी कहा, क्या वो सच है जी? क्या कुंवर प्रताप की सखा वीर है? अगर आप सखा वीर नहीं है तो उत्तर दीजिए कि आपके हाथ पे इतना गहरा घाव कहां से आया? घाव तो राजपूतों के शरीर के भूषण होते हैं राणा जी। आचार्य जी, आप, स्वागत है आपका, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम राणा जी। प्रणाम गुरुवर। आचार्य जी, अगर आप अन्यथा ना लें तो क्या आप कुछ समय के लिए विशिष्ट अतिथि विश्राम कक्ष में विश्राम करेंगे? क्योंकि इस समय अपने पुत्र के साथ एक महत्वपूर्ण बात के मध्य में थे। राणा जी, हमें लगता है कि इस वार्तालाप में हमें यहाँ उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न आप कुंवर प्रताप से पूछ रहे हैं, संभवतः उसका उपयुक्त उत्तर हमारे पास हो। ये घाव जो आप कुंवर प्रताप के हाथ पर देख रहे हैं, ये उन्हें उस समय आए जब हमारी देखरेख में ये विशेष युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे। परंतु हमसे तो ये कहा गया था कि आप काशी प्रवास कर रहे हैं। था तो कुछ ऐसा ही राणा जी, किंतु वहां जब हमें ऐसा लगने लगा कि कुंवर प्रताप की विशेष युद्ध शिक्षा का पाठ अभी शेष है, तो उसे संपूर्ण करने के लिए हम पुनः लौटे, और अब प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में हमारी देखरेख में कुंवर प्रताप विशेष युद्ध कला का अभ्यास करते हैं। ये बात कुंवर प्रताप ने आपसे नहीं बताई, इसके लिए भी कुंवर प्रताप दोषी नहीं है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं राणा जी कि विशेष युद्ध अभ्यास का पाठ जब तक संपूर्ण ना हो जाए तब तक उसे गुप्त रखना हमारी शिक्षा पद्धति का नियम है। इसीलिए हम चाहते थे कि जब तक कुंवर प्रताप की शिक्षा संपूर्ण नहीं हो जाती, ये बात केवल गुरु और शिष्य के बीच में ही रहे। अगर कुंवर प्रताप के घाव के ये कारण है तो हम आपके हृदय से आभारी। राणा जी, जब आपको कुंवर प्रताप की शिक्षा के बारे में पता चल ही गया तो हम आपसे अनुमति चाहते हैं उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने साथ गुरु को ले जाने की, यदि आपकी आज्ञा हो तो। हमारी सहर्ष अनुमति है आचार्य जी, इसलिए हम इसी समय
आप दोनों को एकांत देते हुए इस कक्ष से बाहर जाते हैं। धन्यवाद। गुरुवर, आपने हमें दाजीराज से सच बोलने क्यों नहीं दिया? आपने भी उनसे ये बोलने से क्यों रोक दिया कि हमें सखा वीर है? गुरुवर, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, किंतु उससे पूर्व गुरुकुल जाने के लिए आपको कुछ आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करनी होंगी। गुरुवर, आपने जो भी किया निश्चित रूप से हमारे भले के लिए किया होगा, किंतु क्या लगता है आपको युद्ध केवल रणभूमि में शस्त्रों से ही लड़ा जाता है? असली युद्ध यहां पर आपके मस्तिष्क में लड़ा जाता है। सहज रहते हुए, सहज जीते हुए आपको हर पल चुनौतियों का सामना करना होता है। किस आधार पर चुने? नैतिकता के आधार पर या व्यवहारिक धरातल के आधार पर? जब ऐसी दुविधा हो तब आपको वही चुनना होगा जिसमें आपको कम से कम हानि और अधिक से अधिक लाभ हो। यदि आप अपने पिता से कह देते कि आप ही सखावीर हैं तो बूंदी की असहाय जनता का क्या होता? क्या होता उस जनता का जो हर पल अन्याय में अमानवीय यातनाओं में जी रही, जिसे आपने मुक्ति के सपने दिखाए? क्या होता आपके उस वचन का जो आपने बूंदी की जनता से किया? क्या होता आपके उस बदले का जो आपको बेरम खान से लेना है? और इसी सब के लिए आपको हमारे साथ गुरुकुल चलना होगा, अपनी शिक्षा का अंतिम अध्याय प्राप्त करने। गुरुवर, हमने सदा आपकी हर आज्ञा को अपनी इच्छाओं से बड़ा माना है। केवल इतना पर्याप्त नहीं है कुंवर प्रताप, आपको हमें वचन देना होगा। जब तक हम आपको बैरम खान का सामना करने के लिए सक्षम नहीं बना देते, तब तक आप बूंदी की सीमा में अपने पग तक नहीं रखेंगे। हम आपको वचन देते हैं, हम कल के ब्रह्म मुहूर्त में ही निकल जाएंगे। जो आज्ञा गुरु। ऐसा लग रहा है हमें कि आपके देश में जो कन्याएं होती है उनकी जो त्वचा होती है अधिक मुलायम, अधिक कोमल और अधिक आकर्षक। लानत है राव सुल्तान, इन फिजूल की बातों में वक्त जाया करने के बजाय जो काम हाथ में लिया है उसे मुकम्मल करने के बारे में सोचिए। हम भी यही कह रहे हैं। ये हमारे सरहद पार से आए हुए कुछ अजीज दोस्त हैं और हमारे अजीज दोस्त आपके बच्चों के लिए मुंह मांगी कीमत अदा करने के लिए तैयार है। दरअसल हमारे दोस्तों को ऊंट की दौड़ का शौक होता है। इस दौड़ में हर शेख का तैयार ऊंट दौड़ता है और ये लोग उस पर बड़े बड़े दांव, बड़े बड़े
मसला सिर्फ ये होता है कि वो ऊंट बच्चों की चीखें सुनकर दौड़ते हैं। तो हमारे बिरादर क्या करते हैं कि बच्चों को ऊंट की पीठ पर बिठाकर बांध देते हैं। तो बच्चा खौफजदा होकर चीखता है और ऊंट बेताहाशा दौड़ दौड़ बच्चा चीखता है ऊंट दौड़ते बहुत मजा आता है। हाँ एक बात और है, इस दौड़ में बच्चे चीखते चीखते मर सकते हैं क्योंकि भागते हुए ऊंट को तो अंदाजा नहीं होता ना कि उसके पीठ पर जो बच्चा बंधा है उस पर क्या गुजर रही है, इसलिए वो बेचारे बच्चे मर जाते हैं। अरे आप लोग तो घबरा गए। अरे घबरा क्यों रहे हैं, ये महज एक खेल ही तो है। अरे हमने माना थोड़ा सा खूनी है लेकिन बड़ा दिलचस्प खेल है। और आपके बच्चों को करना क्या है, सिर्फ बेतहाशा चीखना ही तो है। हे भगवान, अब तो इन बच्चों को बचाने का बस एक ही मार्ग है, सखावीर। हाँ अब सखावीर ही बचा सकता है इन्हें। देखिए कुंवर प्रताप, इस बार गुरुकुल में गुरुदेव जैसा कहे वैसा ही कीजिए। कुंवर प्रताप, हम आपसे कुछ कह रहे हैं। जी रानी माँ। हाँ सब आदेशों का पालन होगा, आप अपना ध्यान रखिए। और रानी माँ, हाँ सब ठीक रहेगा, आप अपना ध्यान रखिए। जी आज्ञा दीजिए रानी माँ। गुरुवर आप प्रस्थान करें, हम अपने कक्ष में कुछ भूल गए हैं, हम उसे लेकर आते हैं। किंतु आप शीघ्र ही गुरुकुल पहुंचिए, पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। जो आज्ञा गुरुवर। चक्रपाणि बताइए क्या बात है, शीघ्र बताइए। चक्रपाणि पौजरस, दुल्हन ने संदेश भेजा है। क्या है इसमें? पौजरस, वो बैरमकर और सुरतन सिंह दोनों मिलकर छोटे छोटे बच्चे को बेच रहे हैं। क्या? हाँ बाजीराज, उन्होंने सीमा पार से बैरम खान के मित्र को बुलाया जो मुंह मांगा मूल्य देकर बूंदी के सारे बच्चों को दास बनाकर बेच रहे हैं। वो मूल्य भी सुरतन सिंह हड़प रहे हैं। बस सबक बस एक ही आज लगाए बैठे हैं कि सखा भी रहेगा और उनके बच्चों को बचाएगा। आपको हमें वचन देना है, जब तक हम आपको बैरम खान का सामना करने के लिए सक्षम नहीं बना देते तब तक आप बूंदी की सीमा में अपने पग पग नहीं रखेंगे। हम आपको वचन देते हैं। चक्रपाणि, उनकी आस को कोई निराश नहीं कर सकता, घबराइए मत चक्रपाणि, सखावीर बूंदी जाएगा और वहां के सभी बच्चों को उन आतताई मुगलों से अवश्य बचाएगा। क्षमा कीजिए गुरु, कर्तव्य पुकार रहा है इसीलिए हमें आपको दिया वचन तोड़ना पड़ रहा है, हमें क्षमा कीजिएगा। सारंग और तेज, बूंदी को हमारी आवश्यकता है। Thank you.
जानते हैं गुरुवर, हमने आपको दिया अपना वचन तोड़ा है, किंतु हम क्या करते, हम विवश है गुरुवर, हमें बूंदी की प्रजा को दिया वचन भी निभाना है। हमें जाने दीजिए गुरुवर। जब तक हम एक घोषणा नहीं कर देते कि आपका युद्ध प्रशिक्षण समाप्त हुआ, तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे। गुरुवर वहां देखिए, वो वहां जो दूर ध्वज फहरा रहा है, आप उसे देख पा रहे हैं ना गुरुवर, वो मुगल ध्वज है। राजपुताने की धरती पर वो मुगल ध्वज फहर रहा है और उस विदेशी ध्वज के तले बहराम खान छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर भेड़ बकरियों की भांति बेच रहा है गुरुवर। वो अपने सीमा पार के मित्रों के लिए वो बच्चों को दास बना रहा है गुरुवर। इन बच्चों को हम कब खरीद पाएंगे बिरादर? बहुत जल्द बिरादर, बहुत जल्द खरीद पाएंगे। तब तक आप बूंदी नरेश ने आपके लिए जो इंतजाम किए हैं उनका लुत्फ उठाइए। गुरुवर यदि हम उचित समय पर वहाँ नहीं पहुँचे तो वो बैरम खान वहाँ बच्चों को दास बनाकर बेच देगा। संभवतः ये आपको बूंदी बुलाने का षड्यंत्र हो। हम ऐसे किसी भी षड्यंत्र से भयभीत नहीं होते, हमें हर मूल्य पर बूंदी जाना ही। हमने आपको जो भी शिक्षा दी है, यदि वह आपके लिए थोड़ी भी उपयुक्त साबित हुई है तो आप अपने गुरु की आज्ञा पर ही अपने पग बढ़ाएं। आप जानते थे गुरुवर कि सूर्य चाहे अपनी दिशा बदल दे किंतु हम आपके विरुद्ध कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसीलिए आप जब चाहे आप अपनी इच्छा हम पर थोप देते हैं। अपने परिस्थितियों को अपने दृष्टिकोण से एक बार फिर अत्यंत सरलता से देखने का प्रयास किया। हम आपको अपने साथ लड़ने के लिए विवश नहीं करेंगे। अर्थात आपने कहा कि आप हमारे साथ नहीं लड़ सकते, किंतु इन पांचों शूरवीरों के साथ लड़ ही सकते हैं ना, जो अपनी युद्ध कौशलता के कारण जीते जी कीवदंती बन चुके हैं। यदि आप इन्हें परास्त करने में सक्षम हुए तो आप बूंदी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। देख रहे हैं इन पांचों शूरवीरों को, यदि इन सब की कौशलता क्षमता और शक्ति को मिला दिया जाए तो एक बैरम खान बनता है। इतना शक्तिशाली है आपका शत्रु। जब आप एक साथ इन पांचों को पराजित करने में सक्षम हो जाएंगे तब आप समझ लेना कि आप अपने शत्रु बैरम खान का वीरता से सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। किंतु गुरुवर हमारी इस तैयारी तक कहीं बैराम खान ने उन बच्चों को बेच दिया तो? तर्कपूर्ण तैयारी के लिए योजनाएं भी आपके सामने हैं और चुनौतियां भी। हम आपको समझा भी रहे हैं और अपनी अवज्ञा का खुला अवसर भी दे रहे हैं। कर्म तो आप ही को करना है कुंवर प्रताप, या तो आप पूरी तैयारी के साथ करें या फिर अपनी अंतः प्रेरणा से करें।
गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आइए राव सुल्तान बूंदी नरेश। दूध उदय सिंह तक पहुंच चुका होगा। सखावीर यहाँ आ रहा है। शाबाश, तब तो हमें फौरन जो भी सखावीर के अजीज है उसके करीब है उन्हें वरगला कर उकसा कर भगा भगा कर सखावीर तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो उसे फौरन यहाँ बुला ले। जी बावड़ा हो गया राव सुल्तान जी, अब देखिए तमाशा। तो साहिबान, इन बच्चों की चीखें सुनकर आपके ऊंट अरबी घोड़ों की मानिंद दौड़ेंगे, तब तो आप लोग खुश होंगे। जरूर जरूर, इन लोगों की चीखें सुनाइए बैरम खान जी। ध्यान भंग यही किया इस योद्धा ने। युद्ध में सफलता के लिए सीखने योग्य महत्वपूर्ण बात, किस प्रकार इस योद्धा ने अपना शस्त्र घुमा के आपका ध्यान अपने शस्त्र पे एकाग्रित किया और एकाएक आपको ध्यानग्रस्त करते आपकी तलवार पर वार करके आपको शस्त्रहीन कर दिया। सखावीर को संकट का संदेश भेजना पड़ेगा। सैनिको, रुको, रुको छोरी को। रुक जाइए राव सुल्तान जी। अरे हम रुकेंगे तो वो भाग जाएगी सखावीर के पास, समझ रहे कि नहीं आप? यही तो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसके मौत में दे खास उस तक ये खबर पहुंचाए कि यहाँ क्या हो रहा है। आप समझाएंगे या हम समझ ले? हम समझ गए। खास खुश खास। गति कुंवर प्रताप, गति युद्ध के लिए सीखने योग्य अति आवश्यक गुण। कृष्णा, तुम ये नहीं करोगी। किंतु पन्ना नहीं, अभी कुछ ही समय में उन बच्चों को दास बनाकर बेच दिया जाएगा। ऐसे में बस सखावीर ही है जो उन्हें बचा सकता है। समझने का प्रयास करो कृष्णा, ये सुल्तान और बहरम का सखावीर को पकड़ने के लिए फैला हुआ जाल है। जैसे ही सखावीर यहाँ आएगा ये लोग उसे पकड़ लेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई मार्ग भी तो नहीं है। चलो रुक जाओ।
तुम हो सखावी के खास दोस्त जो यहाँ की खबर उस तक पहुँचाते हो। आप ये क्या कह रहे हैं? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। खामोश बदजात, हमारी बात गौर से सुन। मुझे सखावीर को यहाँ बुलाना होगा। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर तेरी रियासत के बच्चों के साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तू होगी। नहीं नहीं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, कृपया उन्हें छोड़ दीजिए, दया करिए उन पर। अरे अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। युद्ध की एक और बेजोड़ तकनीक जिसमें बैरम खान निपुण है। जब आपके सारे हथियार छूट जाए तो अपने शरीर को हथियार बनाकर उसे प्रयोग में लाएं। तो दोस्तों बोली लगाना शुरू कीजिए और दिल खोल के बोली लगाइए। 100 मुद्राएं। सिर्फ 100 मुद्राएं? इतने में तो इस बच्चे का नाखून भी नहीं मिलेगा जनाब। 200 मुद्राएं? नहीं नहीं, 200 भी बहुत कम है। आप बोलिए। 500 मुद्राएं? हाँ 500 मुद्राएं। 501, 502, 503। ये बच्चा आपका, ले जाओ। दया करिए, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, छोड़ दीजिए ये, दया करिए। देख लड़की, फौरन सखावीर तक हमारा पैगाम पहुंचा दे, वरना एक एक बच्चे को हम बेच देंगे गुलाम बनाकर। गुलाम? नहीं 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 नहीं। चौंकाना, शत्रु को स्तंभित करने के लिए उसे पीछे से दबोचें, अपने और शत्रु की बीच की दूरी को भांपें, पैर से उल्टा वार करते हुए एकाएक शत्रु का पूरा भार अपनी पीठ पे लें और दोनों हथेलियों से उसके बोझ को भांपने की चेष्टा करें। तो बोलिए अजीज दोस्तों, इस बच्चे के लिए अभी बोली लगाइए। 1000 मुद्राएं, 2000 मुद्राएं, नहीं और बढ़ाइए जनाब। 5000 मुद्राएं। शाबाश, 5000 मुद्राएं। 5001, 5002, 5003। ये बच्चा आपका हुआ जनाब। Thank you.
एक और बच्चा लाओ। छोड़ दीजिए इन्हें, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, ईश्वर के लिए छोड़ दीजिए इन्हें, दया करिए इन पर। ओहो लड़की, तूने सखावीर तक पैगाम पहुंचाया या नहीं? अगर पहुंचा दिया है तो हम वादा करते हैं कि इन तीन बच्चों की बोली नहीं लगेगी। ये क्या कर रहे बैरम खान जी आप? नहीं, ये आप सही कर रहे हैं या गलत, ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे, आप गलत कर रहे हैं। हमें और धन की आवश्यकता है राजकोष के लिए, जनहितार्थ के लिए, हमारी प्रिय प्रजा के आंसू पहुंचने के लिए। बिना धन के ये कार्य कैसे होगा? हम साफ साफ बताते हैं आपको, आप हमारे धन के विरुद्ध किसी को आश्वासन नहीं देंगे। विनती करते हैं, जब ऐसे स्वर्ण मुद्राएं हमारे हाथ से निकलती है तो हमारा जी घबराने लगता है। आप खामोश रहिए राव सुल्तान। बुला सखावीर को, हमने कहा बुला सखावीर को। बुलाती हूं मैं सखावीर को। निकट युद्ध में मर जाने का स्वांग भरने को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि युद्ध में आपकी स्थिति बिगड़ने लगे तो शव बनकर अपनी ऊर्जा बचाएं, और जैसे ही आपका शत्रु आपको मृत समझ के ढीला पड़ जाए तो उस पर आक्रमण करते हुए एकाएक उस पर हावी हो जाए। किंतु गुरुवर, इस बार आप हमें लड़ने के लिए छल और कपट भरे उपाय क्यों बता रहे हैं? ये जो दूर ध्वज देख रहे हैं आप, उसके धारकों की युद्ध कला यही सब नीतियां हैं। यदि आपको उनके साथ लड़ना है तो आपको उनके स्तर पर सोचना होगा, उनके स्तर पर ही लड़ना होगा। समय आपके हाथ से निकलता जा रहा है कुंवर प्रताप, आपको अभी बूंदी के लिए भी जाना है, और ऐसी स्थिति में क्या आप अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहेंगे या फिर आदर्श से लड़ते लड़ते पराजित होना चाहेंगे? का संकट संदेश। गुरुवर, बूंदी से हमारे मित्र सखावीर के लिए संकट संदेश भेज रहे हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि अब वहां स्थिति हाथ से सचमुच निकल चुकी है। गुरुवर, क्या आप हम जा सकते हैं? हमने आपके पांचों योद्धाओं से युद्ध किया, आपने हमें जो सिखाया हमने सीखा। गुरुवर, इसके लिए हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे, किंतु अब हमें जाना होगा। रुक जाइए कुंवर प्रताप,